नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हम लोग को बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आईडी कार्ड बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन कर लेंगे। हमने यहाँ से देखिए ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ शीट बना लिया है, शीट टू भी मैंने बनाया है। देखिए यहाँ पर आईडी कार्ड का डिस्क्रिप्शन दिया, नेम दिया, आईडी नंबर दिया है, नेम दिया आपका, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, विलेज, मोबाइल नंबर, ईमेल। वैसे आपको शीट में पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से डिटेल को पूरा भर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आईडी नंबर दे दीजिए 1 0 1 1 0 2। इसमें क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, दोनों को पकड़ेंगे और इसे पढ़ के ड्रा कर लेंगे, तब का आंसर पूरा आ जाएगा। हो गया, चार लोग हमको आईडी कार्ड बनाना है। फटाफट हम सबका नाम लिख ले रहे हैं जिसमें लिखा है। संख्या है 0। अब इमेज लगा लेंगे। इमेज लगाना तो आप लोग जानते ही हैं, कैसे लगाएंगे, इंसर्ट टाइप में जाएंगे। इंसर्ट टाइप में जाने के बाद आपको मिलेगा पिक्चर। पिक्चर पे जाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे, हम पिक्चर फोटो ले लेंगे। देखिए आपको मिलेगा फोल्डर में जाएंगे, आपका ई डी ड्राइव में, ई ड्राइव में जहाँ पर आपका फोटो रहेगा वहाँ से ले लेंगे। हमारा फोटो देखिए ई ड्राइव में, तो ई ड्राइव से फोटो ले ले रहे हैं, अपने कर ले रहे हैं यहाँ से छोटे छोटे बच्चों को अपने कंट्रोल के साथ सेट करके आप आसानी से उस चीज को सेट कर सकते हैं। आ गया, वन बाय वन करके आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करके छोटा करना है। कंट्रोल शिफ्ट साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका छोटा हुआ चला जाएगा। देखिए शिफ्ट साथ डाउन एरो प्रेस करिए, छोटा आपका हो जाएगा। और छोटा कर ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को बॉर्डर के अंदर ही होना चाहिए, बॉर्डर के बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर आपका नहीं आएगा, सूत्र काम नहीं करेगा आपका। फिर से अभी ध्यान दीजिएगा, छोटा कर लेंगे। इमेज सब मैंने लगा लिया, अब हम आएंगे शीट टू में। शीट टू में हमको आईडी कार्ड का डिज़ाइन तैयार करना है। ये सबसे पहले इसको हम बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा अच्छा लगे, बोल्ड कर थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे।
हम जाएंगे सीधों में। ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया, आईडी कार्ड का आपको सूट लगाना, आईडी नंबर का सूट कैसे लगाएंगे हम, इक्वल करेंगे यहाँ लिखेंगे वेलकम वी एल डबल ओ के यू टी करके ऑन करेंगे। ऑन करने बाद क्या करना है आपको, मैंने लुकअप बैरो टेबल दिया है, एरिंग मतलब आपको जाना सीट टू में जाना है और यहाँ पे एक आईडी नंबर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद लगाएंगे हम कामा, कामा लगाने क्या करेंगे हम पूरे आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लगाएंगे कामा, यहाँ पर लिखेंगे वन कामा जीरो, क्यों लिखेंगे क्योंकि हम पहला नंबर निकाल रहे हैं, इसलिए क्या लगेंगे वन कामा जीरो ब्रैकेट वन। उसके बाद क्या करेंगे इंटर करेंगे तो हमारा आईडी नंबर आपके यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से हमको नेम निकालना है तो इक्वल करेंगे वी एल डबल ओ के यू टी ब्रैकेट वन करेंगे, आईडी नंबर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कामा लगाएंगे और कामा लगाने क्या करेंगे स्वीट टू में जा करके वन में जा करके पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे इमेज तक। सेलेक्ट करने पर लगाएंगे कामा, यहाँ लिखेंगे टू कामा जीरो, क्योंकि टू निकाल रहे इसलिए हमने नाम निकालना है इसलिए टू कामा जीरो। अगर अगर थ्री कामा जीरो लगाएंगे तो पापा का नाम आपका आएगा, जैसे यहाँ पर वी एल डबल ओ के यू टी प्रदान करेंगे और आईडी नंबर को सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे, कामा लगाने क्या करेंगे सेलेक्ट में जाने के बाद पूरे आईडी को पूरा तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो डाटा को कामा थ्री कामा जीरो ब्रैकेट में इंटर करेंगे तब आंसर आ जाएगा। मुकेश देखिए डेटा पर निकालना फिर वैसे जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं सॉरी सिटू में जा वन में जा करके पूरे को सेट कर लीजिए। कामा लगाने के क्या करेंगे सिक्स कामा जीरो, देखिए आप जीरो कर लीजिए फिर से इक्वल करेंगे। और सब आप सोच रहे हो डेट ऑफ बर्थ तो नंबर में आए, कन्वर्ट कैसे करेंगे तो आप कन्वर्ट दो तरीके से कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ से आप कर सकते हैं कन्वर्ट, यहाँ जा करके आप मिलेगा यहाँ पे डेट मिलेगा, डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है चेंज कर सकते हैं डेट एंड टाइम में चेंज कर सकते हैं। एक तरीका आपका यहाँ से है, यहाँ जनरल पे जाएंगे ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए डॉट डेट आपको दिखाया जाएगा, डेट पर क्लिक करेंगे तभी आपका डेटा निकलेगा, इस तरीके से डेट को चेंज कर सकते हैं। अब हम आएंगे इमेज लगाना, इमेज हम कैसे लगाएंगे, इमेज लगाने के लिए आपको सूत्र पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इमेज को कॉपी करना पड़ेगा। सीटून में जाएंगे हम इमेज को यहाँ से कॉपी करने के कंट्रोल सी, और ध्यान रहेंगे सिलेक्ट रहना चाहिए, अगर सिलेक्ट नहीं रहेगा तो आंसर नहीं आएगा। सीटून में जा करके क्या करेंगे इसमें हम पेस्ट कर लेंगे। अब हमें इमेज को बड़ा करना है तो कंट्रोल साथ अप कर देंगे तो थोड़ा इमेज आपका थोड़ा जाएगा वो बड़े में आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको जाना है फार्मूला में, फार्मूला में जाने के बाद क्या मिलेगा आपको नए मैनेजर, नए मैनेजर के पास जाएंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम न्यू, न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने में यहाँ पर थोड़ा सा हम नाम दे देंगे, हमने दे दिया यहाँ पे एस जी आई टी नाम दे दिया, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट टू दिया आपका इसी में आपको सूत्र लगाना है, इसका सूत्र आपका होता है इक्वल आई एन डी ई एक्स ब्रेकेट ऑन करेंगे, ऑन करने बाद आपको जाना है सीटोन में जाएंगे, सीटोन में जाने के बाद क्या करेंगे हम पूरी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल इमेज सीट वन, सीट वन में जाना है पूरी इमेज को क्या करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है, लगाएंगे कामा लगेंगे एम ए टी सी एच मैच करने के बाद क्या लगाएंगे हम ब्रेकेट ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद क्या करना है आपको जाना है सीट टू में, सीट टू में जो हमारा आई डी नंबर हमने निकाला था उस आई डी नंबर को क्या करेंगे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लगाएंगे कामा, कामा लगाने के बाद क्या करना है आपको फिर आपको रिटर्न जाना है सीट वन में जाएंगे हम, सीट वन में जाने क्या करेंगे हम पूरे आई डी नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम कामा, यहाँ पर करेंगे हम जीरो दो ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद हम इंटर जैसे करेंगे आपका आंसर देखिए आपका आ गया। अब ये वर्क कैसे करेगा तो हमें ये नाम भूलना नहीं है, जो एस जेड ही दिया है एक नेम आपको नहीं भूलना है, हम इसे क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद आपको जाना है फार्मूला बार में, देखिए फार्मूला बार में आपका आया जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल जो हमने नाम दिया था एस जी आई टी, अब इंटर जैसे करेंगे जैसे आपका इमेज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, देखिए छोटा हो गया।
अब यहाँ से हम बदलेंगे तो आपका सबका नेम आपका ऑटोमेटिक आपका एडिट होता हुआ चला जाएगा। देखिए थोड़ा मोटा बोल्ड कर दे रहे हैं इसको, ये सब ने यहाँ पे लिखा 0.02। देखिए सबका नेम बदल गया, फोटो बदल रहा है, आपका नाम भी बदल रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी बदल रहा है, वो सबको ए टू जेड आपका चेंज होता चला जाएगा। हम 0.3 करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी बदल जाएगा। देखिए तीसरे का आपका आ गया जैसे राम कुमार का, चौथा लाना 1.04 करेंगे तो आपका आ जाएगा शिव कुमार का आपका। तो इस तरीके से आप लोग आईडी कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सब लोगों ने सीखा आईडी कार्ड का प्रयोग कैसे करेंगे, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैलेंडर का प्रयोग कैसे करेंगे। सब लोगों ने सीखा, थैंक यू।